सभी को नमस्ते। मैं सृष्टि मुखर्जी, मेरे मंच द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर पे आ गई हूँ। और जैसा कि मैंने कहा कि मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ कैचअप कोर्स, ये अभी जून तक चलेगा। और इस जून में मैंने आपको हिस्ट्री पढ़ाना शुरू किया है, और हिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट है। तो हिस्ट्री में मैंने पिछले इस क्लास में आपको पढ़ाया क्या था, मैंने सल्तनतकालीन व्यवस्था की अभी तक सल्तनतकालीन शासन का और उसकी व्यवस्था का अभी तक 3 क्लास ले लिया है, और आज फाइनल 4th क्लास है। आज 4th क्लास लेके मैं इस चैप्टर को आज कंप्लीट करूँगी। तो अभी मैं पीछे की बातें आपसे रिकैप्चुलेट कर लूँ कि मैंने आपको क्या पढ़ाया था। तो पिछले कक्षाओं में मैंने सल्तनतकालीन उपलब्धियों और प्रशासनों का जिक्र कर दिया था, और उसी में कुछ मुख्य मुख्य बिंदु थे, जिसमें कुछ बिंदु मैंने कहा था अगली कक्षा में मैं फाइनलाइज ख़त्म करूँगी। तो सल्तनतकालीन व्यवस्था भारत की ऐसी व्यवस्था है जो भारत में सल्तनत शासकों ने भारत में कितने साल शासन किया था, 300 साल, और 300 साल में उन्होंने क्या किया था, तो भारत की पूरी शासन व्यवस्था को अपने हिसाब से तैयार किया था, और इतिहास में उसका वर्णन है, लिखित वर्णन है, जिसके कारण हम इसको और ध्यान से पढ़ते हैं, क्योंकि ये हमारा इतिहास है और हमारे इतिहास सिलेबस के बुक्स में दिया हुआ है। तो इसीलिए इसको ध्यान से पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम हमारे इतिहास को जानेंगे तभी हम अच्छे से आगे के काम को करेंगे। इतिहास वैसे भी हमको क्यों पढ़ना पड़ता है, क्योंकि हम अपने पुराने समय में क्या किए नहीं किए इसकी जानकारी हमें चाहिए, तभी हम आगे अच्छा करेंगे। अगर अच्छा किए हैं तो और अच्छा करेंगे, अगर बुरा किए हैं तो हमको अच्छा करना है, इसलिए भी हम इतिहास को पढ़ते हैं। अब मेरा प्रकरण शुरू हो जाता है क्या कि हम आज आप लोगों को सल्तनतकालीन इतिहास में जो मेरा फाइनल आज चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे आपको आज बताने आई हूँ सल्तनतकालीन सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक प्रशासन के बारे में। सामाजिक प्रशासन जानना बहुत ज़रूरी है, सामाजिक व्यवस्था जानना बहुत ज़रूरी है। किसी भी शासन की सामाजिक व्यवस्था जानकर ही हम उस समय की वस्तु स्थिति की सही आकलन और सही जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आप लोग समझ रहे हैं मैं क्या बताना चाहती हूँ, कि समाज का हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व है। समाज हमारा कैसा था सल्तनत काल में, और आज हम कैसे हैं, और आगे हम कैसे रहेंगे, इसलिए हम समाज को ज़्यादा जोर देते हैं। उसी तरह समाज के साथ ही हमारा आर्थिक अवस्था, हमारा धार्मिक अवस्था, ये भी बहुत मायने रखता है। किसी भी देश के उन्नति और किसी भी देश के विकसित और किसी भी देश के आगे बढ़ने और किसी भी देश के पीछे रहने में उनके इन कुछ प्रमुख कारकों का उस पर बहुत प्रभाव पड़ता है। तो हमारी सामाजिक व्यवस्था सल्तनत काल यानी 1300 ईस्वी में कैसी थी, इसके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो आइए ध्यान दें इस बोर्ड पर। तो यहाँ बोर्ड पे मैंने लिखा है सल्तनतकालीन प्रशासन की व्याख्या निम्न रूप में की जा सकती है, जैसे सामाजिक व्यवस्था। तो सल्तनतकालीन समाज में मुख्यतः दो वर्ग होता था। दो वर्ग कौन होता था, एक अमीर और दूसरा गरीब। अब इस दो वर्ग में भी दो वर्ग होता था, हिंदुओं में अमीर वर्ग और गरीबों में अमीर वर्ग। अब सल्तनतकालीन शासक इन्हें दो वर्गों में बांटते थे, एक सल्तनतकालीन विदेशी शासक और एक सल्तनतकालीन भारतीय शासक और भारतीय लोग। यानी एक होते थे तुर्क के मुसलमान और तुर्क के लोग, और एक होते थे भारत के जो भारत से कन्वर्ट हुए हैं। तो ऐसे समाज में उस समय अमीर और गरीब का भेदभाव आ गया था, ठीक है। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं कि हमारा समाज कैसा था। तो हिंदू में हिंदू और मुसलमान दो जाति रहते थे, हिंदुओं में भी अमीर और गरीब और मुसलमानों में भी अमीर और गरीब, तुर्की भारतीय और गैर तुर्की, ये कॉन्सेप्ट था, लोग इतना मान्यता लेकर चलते थे, ये किताबों में लिखी हुई है। धर्म, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं सल्तनत काल में मुख्यतः भारत में दो धर्म थे, एक हिंदू धर्म दूसरा मुसलमान धर्म। हिंदू धर्म में भी फिर वर्ण व्यवस्था थी, हिंदू में हम क्या करते थे, बहुत नियम करते थे हम, क्या थे कि हमारे कर्म के आधार पर हमारा वर्ण बन गया था, यानी जिसने जो काम किया वो उसका धर्म हो गया। तो हमारी वर्ण व्यवस्था थी, उस समय हम 4 प्रकार के वर्णों में विभक्त थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। तो आप जान लीजिए कि हम 3 तो ठीक थे, लेकिन हमारा जो चौथा जो परिवार का चौथा सदस्य था उसकी स्थिति बहुत खराब थी, और वो कहीं बहुत ज्यादा कन्वर्ट हुए थे, ऐसा इतिहास में लिखा हुआ है। उसी प्रकार मुसलमानों में भी उस समय संप्रदाय आ गया था, कौन तुर्क का है कौन अफगान का है, यानी उस समय सिया सुन्नी का कॉन्सेप्ट भी आ गया था। अब कम टू द पॉइंट, अरब से कौन आए हैं, तुर्क से कौन आए हैं, ऐसे कंसेप्शन आ गया था। उसके बाद
उस समय हमारे भारत में क्या था? तो हमारे भारत में हिंदू और मुस्लिम दो धर्म थे। हिंदू और मुसलमान में भेदभाव की भावना काफी चरम थी। हमारे भारतीयों में, हमारे हिंदुओं में वर्ण व्यवस्था थी, और कितने ही हिंदुओं ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया था, इतना कड़ा धर्म व्यवस्था था। ये जिक्र है। अब कम टू द पॉइंट, यहाँ महिलाओं की स्थिति। तो सल्तनत काल में महिला की स्थिति काफी खराब थी। इसके बारे में वर्णी ने भी लिखा है कि औरतों की स्थिति उस समय बहुत खराब थी। खासकर हमारा समाज जो था, हमारे हिंदुओं का समाज, यहाँ पे स्थिति स्त्रियों के समय खराब हो गई थी। स्त्रियां सिर्फ घर में रहती थीं, स्त्री का पढ़ाई लिखाई का व्यवस्था खत्म हो गया था, बहुत तरह की बातें हैं। उस समय भारत में दूसरे शासकों का शासन था, इसलिए भी स्त्रियों को घर में ही रखा जाता था। और प्रशासन चूंकि हमारे हाथ में नहीं था, तो हम डरते थे, तो हम लोग स्त्रियों को घर में ही रखते थे, शिक्षा दीक्षा नहीं करते थे, बचपन में ही शादी दे देते थे। शादी के बाद वो सती का भी कॉन्सेप्ट था, जैसे कि 15 साल की लड़की, 10 साल की लड़की का शादी अगर 30 साल के बूढ़े का साथ हुआ, तो वो जब 10 साल की लड़की 20 साल की हुई, तो वो सो 30 साल वाले व्यक्ति का उम्र जाने का हो गया। अब वो चले गए। अब मानिए कोई औरत का पति अगर 60 साल का है, वो 20 साल की हुई है, उसके पति चल बसे, अब पति के साथ पत्नी को भी जिंदा जला दिया जाता था। ये समाज का कॉन्सेप्ट था। इसके पीछे क्या कंसर्न था? तो ये था कि बहुत तरह की बातें थी। तो ये आप अगले कक्षाओं में इसके बारे में पढ़ोगे, ठीक है? चलिए, मैं अब इसको, इसका कुछ और भाग है, उसको कंटिन्यू करूंगी। ध्यान से इसको देखिए और इसको लिख लीजिए।